हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। अपने आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3C से कुछ क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 RS अग्रवाल वी अग्रवाल की मैथ्स की बुक है फ्रेंड्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर 3। यहाँ पे फ्रेंड्स फैक्टराइज करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इसके पहले के फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 तक 1 से लेकर के हमने इसके पहले वीडियोज़ में अपलोड कर रखा है सॉल्व करके, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/16। यहाँ पे फ्रेंड्स इसके पहले हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/16 है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर अपॉन 1 लिख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी तरीके से 2x माइनस 2x है, 2x अपॉन 1 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे प्लस 7/16 है, इसके बाद से 1 और 16 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 16। देन इसको हम लिख सकते हैं 1 से डिवाइड करेंगे 16 को आएगा 16, और यहाँ पे इंटू कर देंगे 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे 16 को आएगा 16, इंटू 2 करेंगे आएगा 32x प्लस 16 से डिवाइड करेंगे 16 को आएगा 1 इंटू 7 करेंगे आ जाएगा 7। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देख सकते हैं हम 1/16 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच जाएगा 16x² माइनस 32x प्लस 7। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये जो क्वेश्चन है ये पहले की तरह हो गया। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलमोस्ट उसके जैसा हो गया है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स जो हम करते हैं 16 इंटू 7 हो जाएगा, जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं 16 इंटू 7 यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 6 42, आई 2 कैरी आई 4, 7 1 7 प्लस 4 11, यहाँ पे आ गया 112 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 5 10, 2 6 12, अगेन 2 से हो जाएगा, 2 2 4, 2 8 16, अगेन 2 से होगा 2 1 2, एंड 2 4 8, अगेन 2 2 7 14, एंड 7 1 7, ये हो गया फ्रेंड्स इसके फैक्टर। अब इन फैक्टर्स का यूज़ करते हुए हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिसमें हमें -32 मिल जाए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 2 4, एंड 4 7 आ जाएगा 28। ओके एंड 2 2 4। ओके फ्रेंड्स अब यहाँ पे अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 32 मिल जाएगा, बट हमें 32 माइनस का चाहिए, मीन्स -28 और -4 कर दे तो हमें क्या मिलेगा -32 ये। ओके फ्रेंड्स इसी तरीके से -28 और -4 अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिलेगा प्लस का 112। ओके फ्रेंड्स 28 इंटू 4 करेंगे आएगा 112, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स जो चाहिए थे वो क्या हो जाएंगे -28 और -4। ओके फ्रेंड्स ये हम ऐसे रफ वर्क कर सकते हैं साइड में। इसके बाद से यहाँ पे फ्रेंड्स इस स्टेप के बाद से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 1/16 कॉमन हमने ले रखा है, इसके बाद से 16x² एज इट इज़ लिखेंगे, -32x इसको हमने ब्रेक किया है -28x -4x में प्लस 7 हो जाएगा। इसके बाद से 1/16 एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं, कॉमन है। यहाँ पे आप फर्स्ट टू टर्म्स हम कॉमन क्या ले सकते हैं फ्रेंड्स 4 देख रहे हैं दोनों में है और x दोनों में है, तो रिमेनिंग क्या बच गया 4x, यहाँ पे 28 में से हमने 4 ले लिया, 4 7 28, 7 बच गया और x हमने ले लिया, तो वेरिएबल कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद से यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे बचेगा 4x और प्लस से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बच गया माइनस और 7 एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/16 एज इट इज़ इंटू में 4x माइनस 7, ये जो दोनों में कॉमन है, और इंटू में 4x माइनस 1, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, या तो एक स्टेप हम और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/16 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी एक टर्म में। ओके फ्रेंड्स तो जो बुक में आंसर है उसके अकॉर्डिंग ये 1/16 का मल्टीप्लीकेशन इधर किया गया ये वाले टर्म में, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं फ्रेंड्स 4x/16 माइनस में 7/16 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स 1 × 4x आ गया 4x/16 माइनस 1 × 7 7, एंड अपॉन में 16 ये हो जाएगा, और इंटू में 4x-1 इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स 4 1 4 4 4 16 आ जाएगा x/4 माइनस में 7/16
16 इंटू में 4x-1, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर। इस तरीके से हमने फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 51 एक्सरसाइज 3C से अदर